हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी, देखेंगे कहां पे एंट्री कर सकता है। तो आप देख सकते हैं, पहले मैंने ये डेली चार्ट लिया, पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ करके रखा था पहले वीडियो में। तो यहां से एक ट्राइंगल शेप फॉर्म हो रहा था, राइट। यहाँ से एक ट्राइंगल शेप फॉर्म हो रहा था मार्केट बैंक निफ्टी। तो उसका बाद यहाँ पे मैंने जो बनाया था, यहाँ पे डब्ल्यू शेप फॉर्म हुआ था। तो यहाँ से तो मैंने जो टारगेट दिया था आपको 27,400 के आसपास दिया था आपको टारगेट, उसको ब्रेकआउट करके अभी 27,750 के आसपास चल रहा है, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस लाइन मिला यहाँ पे, जो मैंने ड्रॉ कर दिया अराउंड 27,786 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन। तो रेजिस्टेंस लाइन का नीचे हम बाय नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन है अभी। तो इसलिए यहाँ पे हम जब तक 27,800 ब्रेक नहीं किया नहीं करेंगे तब तक हम बाय नहीं करेंगे, राइट। और यहाँ पे अगर हमने सेल किया तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 27,500 से 27,500 तक ही सेल करेंगे और यहाँ से फिर से हम बाय करना शुरू करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी जस्ट ए मिनट, अगर हम देखें 4 आवर में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अगर एक लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पे कनेक्ट करके, राइट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा मार्केट मतलब यहाँ तक रिट्रेस कर सकता है। ये जो एरिया मिला हमें तो ये मार्केट ब्रेक किया इसको, राइट। यहाँ से ब्रेक किया इसको करके यहाँ पे रेजिस्टेंस तक गया, तो रेजिस्टेंस से यहाँ से फिर से रिट्रेस कर सकता है क्योंकि यहाँ से हायर लो, राइट, हायर लो बना सकता है ये 27,400 तक, राइट। 27,400 तक अगर हमें यहाँ पे मिला 27,400 और 500 के आसपास मिले तो यहाँ से फ्यूचर बाय करेंगे। नेक्स्ट टारगेट रहेंगे 28,000 के आसपास, राइट। तो अभी देखेंगे हमें एंट्री पॉइंट के लिए, तो एंट्री पॉइंट के लिए हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अभी देख सकते हैं मार्केट बहुत ज़्यादा निकल गया। तो यहाँ से अगर हम देखें, राइट, तो यहाँ से देखें तो आप देख सकते हैं पहले क्या हुआ, ये मूविंग एवरेज 50 से बाउंस हुआ था, राइट। तो आप देख सकते हैं ये रेड वॉल थोड़ा मूविंग एवरेज 50 से बाउंस हुआ, तो फिर से मार्केट ये मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा निकल गया। तो यहाँ से फिर से मूविंग एवरेज जो 50 है या 50 मूविंग एवरेज के आसपास आ सकता है। अगर 50 मूविंग एवरेज के आसपास आ गया तो हम फिर से बाय करेंगे यहाँ से, राइट। यहाँ से बाय करेंगे, नेक्स्ट टारगेट 27,800 या 28,000 का आसपास रहेगा, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।